जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और महंगाई एक चरम सीमा पे दिन ब दिन जाती जा रही हैं, उसके ऊपर हम प्रकाश डालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हमारे सभी साथी देश के कोने कोने में जाकर हर विषय पे, चाहे वो ड्रग्स जो इतनी बड़ी तादाद में गुजरात में मिले हैं, जिसके ऊपर कोई भाष्य नहीं कर रहे, कोई ना मीडिया उसका कोई जायज़ा ले रहा है, गुजरात में जो मिले हैं 13 ग्राम ड्रग के लिए, चाहे वो 13 ग्राम भी हो उसके लिए मिलना चाहिए, शाहरुख खान के बेटे का उसके लिए बात करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए दिन रात बात करती की जाती है। लेकिन जो हज़ारों किलो ड्रग्स मिले मुंद्रा एयरपोर्ट पे अदानी के, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। उसके अनुसार जो हमारे छोटे व्यापारी MSME, हमारे जो छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, उनके जो बिजनेस बंद पड़ रहे हैं और जो बेरोज़गारी का संकट हमारे खाई में, बेरोज़गारी की खाई में हमें डाल रहा है, उनके ऊपर कोई बात नहीं करने जा रहा है। और सबसे बुरी बात जो है, जिसके ऊपर मैं लास्ट में आऊँगी, कि हाल ही में जो लखीमपुर में घटना 2 दिन पहले घटी है, उसके ऊपर मैं लास्ट में बात करने वाली हूँ। नोटबंदी का निर्णय जाहिर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताने की कोशिश की कि नोटबंदी करके हमने बहुत बड़ा एक संशोधन कर दिया है, और नोटबंदी करके हमने एक काला धन वापस लाने का बहुत बड़ा काम किया है, ऐसे उन्होंने सब दुनिया को दिखाने की कोशिश की। लेकिन आप सब जानते हैं कि काला धन तो छोड़िए, लेकिन 2000 रुपये की जो नई नोट थी, वो भी जो आतंकवादी थे, वो आतंकवादियों के पास चली गई, और नोटबंदी के रूप में जो हमारे व्यापारी हैं और जो हमारे बिजनेस करने वाले हैं लोग, उनके सबसे बड़ा नुकसान उस नोटबंदी में हो गया, और बड़े कंपनियों का फ़ायदा उसमें करा, और जो अपने मित्र लोग हैं वो मित्र लोग उनका फ़ायदा उसमें कर दिया, उसमें कोई भी फ़ायदा हमारे गरीब लोग, हमारे मध्यम वर्ग के लोग उनका हुआ नहीं। GST कांग्रेस वाला, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने GST लाने में भी इतने स्लैब्स डाल दिए, और जिसको हमारे नेता राहुल गांधी जी गब्बर सिंह टैक्स बार बार बोलते आ रहे हैं, वो GST इस तरह से उन्होंने स्लैब लगा के तोड़ मरोड़ के लाई, जिससे भी हमारे जो इस भाई हैं, जो बिजनेस वाले भाई हैं, जो MSME वाले लोग हैं, उनका इतना बड़ा नुकसान कर दिया उन्होंने, जिससे हमारा जो व्यापार धंधा बंद हो गया, और उससे बहुत बड़ा नुकसान इस देश में हो गया। फिर बाद में आया कोरोना। कोरोना की स्थिति तो आप सब जानते हैं। अभी मैं जब आ रही थी तो बाहर मैंने फ़ोटो देखी, आपका एक बहुत बड़ा यूथ लीडर जिसका फ़ोटो लगा था, और मैंने पूछा है किसका फ़ोटो लगा है, इतना अच्छा छोटा बच्चा है, तो बोला कि यूथ कांग्रेस का लड़का था जिसको कोरोना में जिसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, अभी जो राज्यसभा में मैं जिसकी जगह पे आई हूँ वो भी हमारा राजीव सातव, जो हमारा एक साथी था, जो राज्यसभा का सदस्य लास्ट ईयर भी बना था, उनका भी उम्र थी 46, उनकी भी कोरोना से मृत्यु हो गई थी। हमारे बहुत सारे साथी, मैं खुद ही कोरोना की शिकार हो गई थी, बहुत 12 दिन हॉस्पिटल में होके मृत्यु के द्वार से वापस आ गई थी। तो ऐसे बहुत सारे कोरोना से मृत्यु कम, लेकिन कोरोना का उपचार नहीं मिलने से ज़्यादा मृत्यु हो गई थी। इतना हुआ कि कोरोना का मृत्यु के दखल सुप्रीम कोर्ट को लेनी पड़ी, और बताना पड़ा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला है तो जहाँ जहाँ भी कोरोना से मृत्यु हो गई है उनको क्या मुआवजा दिया गया है, उनको मुआवजा देने की कार्रवाई करें। लेकिन दुख यह है कि तब केंद्र सरकार ने अपने हाथ झटक लिए और बोला कि एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है, ऑक्सीजन सबको दी गई है। ये केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदारी दूर करने का काम इतना बड़ा किया है, ये मैं यहाँ पे आपको उजागर करना चाहती हूँ। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो विषय मैं आपको सामने उजागर करना चाहती हूँ वो है जो फ्यूचर ग्रुप कंपनी है, अमेज़ॉन अमेरिका की कंपनी है, और अमेरिका से अमेज़ॉन कंपनी, आप TV पे हर रोज़ जाहिरात उसकी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे,
अमेजॉन के थ्रू हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे घर की पत्नियाँ, हमारी बहनें अमेजॉन पे से खरीदी करके रहते होंगे। और अमेजॉन के साथ 8,500 करोड़ रुपये, अगर टू बी प्रिसाइज 8,547 करोड़ रुपये की लीगल फीस इस देश में लीगल फीस के रूप में आई है। और वो कहाँ गई? वो गई हमारे लीगल डिपार्टमेंट को, केंद्र सरकार के लीगल डिपार्टमेंट को गई। वो अगर उसका प्रूफ आप मानते हैं तो उनका, अगर आप देखिए अमेजॉन का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें लीगल डिपार्टमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट के लीगल डिपार्टमेंट को लीगल फीस के तहत उन्होंने ये फीस दी है। अगर हमारा लीगल डिपार्टमेंट का आपने टोटल आयु देखा होगा, खर्चा देखा होगा, तो सिर्फ 1100 करोड़ रुपये का उनका बजट है। जिस डिपार्टमेंट का बजट 1100 करोड़ रुपए है, उसको अगर 8,500 करोड़ रुपए, अंदाजन 8,500 करोड़ रुपए अगर लीगल फीस के तहत आता है, तो वो क्यों आया? ये हमारा पहला सवाल है। वो हम सवाल मोदी सरकार को पूछना चाहते हैं, वो क्यों आया उसका हमें जवाब चाहिए। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो अमेजन ग्रुप कंपनी, जिसमें 6 कंपनियाँ हैं, जिसका अमेजन इंडिया लिमिटेड, अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड, अमेजन होलसेल प्राइवेट लिमिटेड एंड अमेजन ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड, ये 2 साल से लगातार कानूनी शुल्क के आधार पे 8,546 करोड़ रुपए इनके माध्यम से हमारे देश में आए हैं। उसका हिसाब इन्होंने देना ज़रूरी है और उसकी ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है। ये सवाल, ये जवाब हम मोदी सरकार से मांगते हैं। और ये उच्च पदस्थ अधिकारियों को और नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को ये दिए गए हैं। ये हमारा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम करते हैं और इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। ये मोदी जी जब सरकार में आए, और मोदी सरकार जब आया तो उन्होंने बोला था कि मैं न खाऊंगा न खरे दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ निकला। ये खाए भी और खिलाए भी और खाने भी दे, खाए न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सरासर झूठ निकला। लाल किले पे जो घोषणा दी वो सरासर सफेद झूठ निकली। ये वो झूठ उनका खुला करने का काम हम करना चाहते हैं। और ये जो रिश्वत है, वो रिश्वत कानून मोड़ने के लिए दिया है, ये हमारा सीधा आरोप है। और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि ना किसी सीबीआई, ना किसी सरकारी एजेंसी द्वारा उनकी कानूनी चौकसी होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी अधिकारियों ने ये चौकसी नहीं करनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सेंट्रल जो लीगल डिपार्टमेंट की जो न्यायिक अधिकारी है, जो क्या बोलती जजेस, रिटायर्ड जज नहीं, जो जज अभी चेयर पे बैठे हैं, उन्होंने करनी चाहिए। सिटिंग जज ऑफ द सेंट्रल कोर्ट, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए। सिटिंग जज ऑफ द कमिटी, उनके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, उनके द्वारा वो कमिटी की जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं। और ये सब मांगे लेके हम आपके सामने आए हैं। यहाँ आने का यही मकसद था कि बहुत ही, इसका कारण ये है कि अमेजॉन के द्वारा ये जो आक्रमण हुआ है, शायद ही आपको ये विषय लगता होगा कि ये मांग क्यों कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी, अगर पहले हम उड़ीसा में आते थे, भुवनेश्वर में आते थे, तो भुवनेश्वर में कहीं हम जाते थे तो छोटी छोटी चीज़ें खरीदी करते थे, छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ जाते थे, छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ उनकी खरीदी होती थी। दिवाली का समय आया है, दसरा का, नवरात्रि का समय आया है, उनकी दुकानें भर के चलती थी, लेकिन आज वो नहीं दिखाई देता है। आज वो दुकानदार ठप है, उनके यहाँ कोई जाता नहीं है, आज घर में बैठ के सब मंगवाते हैं, तो उन दुकानदारों के ताला लगने की कोशिश हो रही है, उन दुकानदारों के बिजनेस बंद होने लगे हैं। उन हमारे जो भाई हैं, उनके घर में आयु कम हो गई है, उनका आय कम हो गया है, तो वहाँ पे अगर हम अभी से नहीं उनका विरोध करेंगे, क्योंकि कल मैं औरंगाबाद में गई थी, औरंगाबाद में सब व्यापारी मुझे मिलने आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये अगर बात आप राज्यसभा में उठाएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं कि हमारे सब आय कम हो गई है। धीरे धीरे उसका पता चलेगा, आपको आज शायद अचानक पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके कारण हमारी आय कम हो गई है, हमारे बिजनेस बंद हो गए हैं, और 14 करोड़ लोग आज हमारे बेरोजगार हो गए हैं 2-3 साल में। तो इसका कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, और अगर आज नहीं सोचेंगे तो हमारे ये जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हम मध्यम वर्गीय लोग
जो गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए थे वो फिर गरीबी रेखा में चले जाएंगे और ये नौबत ना आ जाए, इसलिए आज हमें जागना होगा। सबसे ज़रूरी बात जो मैं पहली शुरुआत में बोली हूँ कि दो तीन दिन पहले जो बात हुई थी कि एक हमारे देश के गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे के गाड़ी के नीचे चार हमारे किसान, जो किसान भाई हमारे वहाँ पे अपनी मांग जो तीन काले कानून केंद्र सरकार ने किए हैं उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगे लेकर गए थे, उनके गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिए गए। और उसके लिए जब हमारी बहन हमारी लीडर प्रियंका गांधी जी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए जब गई चलने लगी तो उनको डिटेन करके सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। सीतापुर के गेस्ट हाउस में जब वो उनको लेने गए तो उनके साथ हाथापाई की गई, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हाथरस में जब उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी तो भी राहुल जी और प्रियंका जी हाथरस में वो पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए। जब हमारी दलित लड़की को जैसे जानवर को जलाते हैं उसको भी इस तरह से जलाते नहीं है, उस तरह से जानवर को रात को जलाते हैं, उस तरह से वो लड़की को दलित महिला को दलित लड़की को रात को जला दिया गया, उस तरह से हमारे जब राहुल जी और प्रियंका जी उनको मिलने के लिए गए थे तो उनको भी हाथापाई हुई थी। आपने फोटो वीडियो देखे होंगे, आप लोगों ने ही प्रस्तुत किए थे। और परसों भी जब प्रियंका जी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए गई थी तो उनके साथ भी हाथापाई हुई थी। आपने देखा होगा कि 4 अक्टूबर का ही दिन था, 1977 का दिन था, और 1977 में जब इंदिरा जी को जनता गवर्नमेंट के राज में जब अरेस्ट किया था तो क्या हुआ था, इस देश में परिवर्तन किस तरह से आया था, आप लोगों ने शायद आप बहुत कम उम्र के हैं लेकिन इस देश ने देखा है। इस देश के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पूछिए आप क्या हुआ था, इतिहास जान लीजिएगा। इस तरह से अगर किसी भी महिला के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हाथापाई होती है तो इस देश कभी माफ नहीं करता है। इस देश ने महाभारत भी देखा है, रामायण भी देखा है और इंदिरा गांधी को भी देखा है। इस तरह से अगर इंदिरा जी को पोती को इस तरह से हाथापाई कर दी गई तो इस देश कभी माफ नहीं करेगा, चुप बैठेगा देखेगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो सबक जरूर सिखाएगा, इतना ही हम कहते हैं। और अगर इस तरह से वो करेंगे, अगर हमारे किसानों को, अगर जो अन्नदाता है इस देश का, जो धान पिकाता है, अन्न पिकाता है और हमारे देश को खिलाता है, तो उन लोगों को अगर आप अपना कहना मानते नहीं और गाड़ी के सामने आता है तो अपने मंत्री होता है तो अपने घर का, तो मंत्री अगर कुचल के उसका बेटा कुचल के जाता है, वो मंत्री का बेटा खुलेआम घूम रहा है, मंत्री माफ़ी भी नहीं मांगता है, उसके ऊपर FIR भी नहीं होता है, तो ये अब्यूज़ ऑफ पावर जो है उनका, उनके सत्ता मस्तिष्क में जो गया है, कहीं ना कहीं वो मस्तिष्क से सत्ता उतरने का काम अगर कोई करेगा तो वो जनता करेगी और कोई नहीं, जनता करेगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि यह कहीं ना कहीं आप लोगों का, मैं विनंती करती हूँ आप लोगों की कि आप कहीं ना कहीं लोगों को तक पहुँचानी चाहिए ये चीज़, क्योंकि लोगों को नहीं पहुँचाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गया, ऐतिहासिक भूल ये आप करेंगे। और अगर आप ये करेंगे तो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसानों के घर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ भी आपने बिल्कुल लोगों के सामने लानी चाहिए। और लखीमपुर की घटना को लेकर 2 दिन से पूरे देश में, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका जी निकले हैं फिर लखीमपुर के, वो हमारे परिवारों को मिलने के लिए, जो जिनकी जिनको कुचल के हत्या हो गई थी, वो किसानों के परिवारों को, मृतकों के परिवारों को मिलने के लिए गए हैं। वो अभी मिलेंगे, अगर उनको अनुमति दी गई जाने की तो मिलेंगे शायद वो, और अगर मिलकर उनको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा देश में माहौल बहुत ख़राब होने का काम हो रहा है, सभी गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, चंद लोगों के मुट्ठी में पूरा देश बेचा जा रहा है। और इस तरह से अगर देश बेचने का काम अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस देश को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को बचाने का काम किया है और वो करती रहेगी। और इस लड़ाई में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हमारे पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता एक सोल्जर की तरह खड़ा रहेगा। इतना ही कहने के लिए आपके पास हम महाराष्ट्र से आए हैं, धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल एज वेल।